नमस्कार न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ है सोमनाथ वाघमारे ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जिन्होंने द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी लेकिन जनवरी में जब महाराष्ट्र में भीमा कोरेगा का को वायलेंस हुआ उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी लाइमलाइट में आई थी वेलकम टू न्यूज़ क्लिक सोमनाथ तो सोमनाथ तो अपनी फिल्म के बारे में बताइए मतलब फिल्म तो काफ़ी चर्चा में रही है जब भीमा कोरेगा का वायलेंस हुआ महाराष्ट्र में लेकिन इसके पहले आपने कई डेढ़ साल पहले आपने ये मूवी बनाई थी तो ये आपका क्यों ख्याल था मूवी बनाने का बेसिकली uh, मैंने मीडिया स्टडीज़ किया है पुणे यूनिवर्सिटी से एंड मीडिया स्टडीज़ के बाद uh, मैंने एफ में जॉब करता था दो साल मैंने काम किया है वहाँ पर तो मोस्टली मीडिया uh, पढ़ते टाइम ही uh, थोड़ा थोड़ा समझ रहा था बिकॉज मैं एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आता हूँ कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन इंडियन सिनेमा एंड इंडियन मीडिया ब्रामेनिकल है पैट्रियारकल है कास्टिस्ट है और ये एक सवर्ण डोमिनेटेड सेक्टर है इंडिया के जिसमें इस देश के दलित बहुजन कम्युनिटीज़ का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है मतलब इंडियन मीडिया हाउसेस कास्ट कास्ट के घेटो है सवर्ण कास्ट घटोज और उसका रिलेशन आ, हमारे हिस्ट्री में भी है हमारा हिस्टोरिकल हमारे कंट्री एक रिलीजन टैक्स के ऊपर चला है जो रिलीजन टैक्स इस देश के 85 परसेंट अभी की जो कम्युनिटीज़ है उनको एजुकेशन डिनाई करता है तो उसका रिलेशन नॉलेज से भी है तो जब मैं एफ़ में जॉब कर रहा था तब संजय लीला भंसाली की फिल्म आई थी जो कि बहुत प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर है एफ़ के सभी लोग प्रोग्रेसिव होते हैं तो एक बड़ा मिथ है कि एफ़ से निकलने वाले लोग प्रोग्रेसिव है और इंडियन सिनेमा बहुत प्रोग्रेसिव है तो इंडियन uh, सिनेमा uh, एक घेटो है जो कि वर्ल्ड uh, सिनेमा नहीं है इंडियन सिनेमा बिकॉज ऑफ उसमें डाइवर्सिटी नहीं है और इसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट भी आए हैं uh, जैसे कि द हिंदू का रिपोर्ट है द उसमें वो कहते हैं कि uh, मुंबई में 300 फिल्म्स बनी है 2013 थाउजेंड थर्टीन टू टू उसमें सिर्फ पांच फिल्म है जो कि उसका प्रोटेगनस uh, दलित है तो वो एक बात थी और दूसरी बात uh, हमेशा इंडियन अकेडमिशन और इंडियन फिल्म मेकर्स और इंडियन मीडिया ने Uh, दलित का लाइफ हमेशा एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया है बिकॉज़ uh, वो खुद दलित नहीं है uh, नॉन दलितों ने दलित का लाइफ हमेशा एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया है तो वो एक नरेटिव तोड़ना था और दूसरा कि uh, संजयनी लफ भंसाली के फिल्म में एक ही नरेटिव आता है वन साइड पर पेशवा के टाइम में जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन था जो अनटचेबल्ड थे उसके ऊपर बात नहीं होती या पेशवाई कैसे एंड हुई उसकी बात नहीं होती है तो भीमा को को तो हमारे लोग इतना साल से सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसका कहीं पे भी छोटा न्यूज़ नहीं होता है uh, मेरे पास लास्ट ईयर के न्यूज़पेपर है मैंने लास्ट ईयर फिल्म किया था तो uh, वो इग्नोरेंस है और वो इग्नोरेंस कास्ट का इग्नोरेंस है कि जान कर, uh, दलितों का लाइफ में जो सेलिब्रेशन है जो असर्शन है वो सामने नहीं लाना है क्योंकि दलितों के मतलब ऐसा बोलते हैं ना कास्ट मींस दलित दलित मीन्स रिजर्वेशन कास्ट मीस दलित नहीं ना कास्ट मिज ब्राहमिन कास्ट मींस एवरी वन बिकॉज कास्ट तो तुम्हारा लिविंग रियलिटी है और कास्ट को प्रैक्टिस दलित नहीं करता है ना कास्ट मतलब दलित कास्ट को प्रैक्टिस इस देश का सवर्ण करता है और वही पावर पॉल पावर पोजिशन पर है और ये सेक्टर मीडिया और सिनेमा दोनों पावर सेक्टर है तो उस पावर सेक्टर में एक स्पेस बनाना है पॉजिटिव स्टोरीज ला के तो इसलिए मैंने भीमा को और लास्ट ईयर किया और पूरा फिल्म हमने आ, क्राउड फंडिंग से किया अम्बेडकर सर्कल के तो वो एक पॉजिटिव नरेटिव और एक स्पेस बनाना है आर्ट में इसलिए मैंने फिल्म की थी तो स्पेस कैसे इग्नोर की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए स्पेस वही है मतलब uh, मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा एक सुदीप तो मंडल नाम के जर्नलिस्ट है काफ़ी यंग है उन्होंने uh, रोहित विम्बला के ऊपर एक रिपोर्ट लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने अल जजीरा के ऊपर एक रिपोर्ट लिखा है इंडियन मीडिया मोस्टली इंग्लिश मीडिया और दलित uh, के को लेकर uh, उनका है ना ऐसा कहना है कि इंडियन uh, मीडिया में सिर्फ दस दलित uh, जर्नलिस्ट है इंग्लिश जर्नलिज्म में तो इमेजिन करो इस कंट्री में फाइव हंड्रेड से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन है एस सी एस टी ओ बी सी के कितने सारे लोग आते होंगे तो वो जाते कहाँ है क्या उनमें टैलेंट नहीं है अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो उनका वर्क देखो अगर तुम पार रंजित की फिल्म देखोगे कबालिया अभी काला आई है या नागराज मंजूली की फिल्म देखोगे और बाकी किसी भी सवर्ण फिल्म मेकर को निकालो जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं उनका वर्क डिफरेंस है बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली दैस वाई एम सेंग ना कि इंडियन हाउसेस जो है मीडिया हाउसेस और सिनेमा हाउसेस ये एक कास्ट का घेटो है तो वो जान बूझ के जो पॉजिटिव स्टोरीज है उनको इग्नोर करना है मतलब पॉजिटिव स्टोरीज नहीं है बिकॉज पॉजिटिव नरेटिव को इग्नोर करना है अगर क्योंकि वो एक पॉजिटिव नरेटिव आएगा तो आपके पावर पॉलिटिक्स को वो चैलेंज करेंगे ना तो वो है इस तरह से वो हिस्टोरिकली इग्नोर करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं तो अभी स्पेस की आप जो बात कर रहे हैं कि आप नई स्पेस क्रिएट कर रहे हो तो इसमें मेन स्ट्रीम जो आप बोल रहे हो कि मनुवादी मेन स्ट्रीम है तो उसमें तो आपको स्पेस नहीं मिल रही है तो आप नई स्पेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं या इंड मुझे वही क्वेश्चन है कि कौन मेन स्ट्रीम है क्या इंडियन uh, मीडिया में uh, एक भी uh, ऐसा कोई न्यूज़ पोर्टल नहीं होगा जिनको आप मेन स्ट्रीम कह रहे हैं जिसका uh, एडिटर दलित हो जिसका एडिटर आदिवासी हो मेरा ऐसा कहना है कि लिबरल लोग ज़्यादा कास्टिस्ट होते हैं क्योंकि आ, बाकी लोग तो क्लियर है जैसे द रिपब्लिक नाम का चैनल है वो तो क्लियर ब्रामिकल है पेट्रियारिकल mm. है बट ये जो आ, क्या बोलते फेस डुप्लीकेट फेस जैसे एक फ्रेंड है वो बोलते है कि आज सबसे बड़ा डर हमको टेक्निकल प्रोग्रेसिव और डुप्लीकेट अम्बेडकर लोगों का है ये जो टेक्निकल प्रोग्रेसिव लोग हैं ना वो भी उतने ही प्रॉब्लमेटिक है सो आई थिंक पैरल जो स्पेस विद इन अम्बेडकर सर्कल में बनाए जैसे राउंड टेबल इंडिया की मैं बात करूँगा या वेलीवाड़ा की बात करूँगा ये लोग विदाउट कारपोरेट फंडिंग विदाउट ऑफिस एक वेबसाइट रन करते हैं इतना साल से और उसका जो कंटेंट है वो इस देश के जो अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते हैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जिसमें दलित का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उससे भी तगड़ा है तो आई थिंक जब uh, कोई भी इंस्टीट्यूशन uh, डाइवर्स हो जाएगा डाइवर्स होना मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना तभी वो हो डेमोक्रेटिक हो सकता है तभी और तभी वो ग्लोबल भी हो सकता है बिकॉज इंडियन सिनेमा ग्लोबल नहीं है इंडियन सिनेमा लोकल है इसलिए आप मतलब कितने इंडियन सिनेमाज़ को ऑस्कर मिलते हैं नहीं मिलते बिकॉज शहर का कोई लड़का फिल्म बनाएगा उस जिसका एक्सपीरियंस उसका लाइफ सिटी के पास आसपास का ही होता है और एक विलेज का फार्मर का बेटा या ट्राइबल का बेटा या बेटी या दलित या आदिवासियों का बेटा उसका नरेटिव अलग होगा बिकॉज वो उसका एक्सपीरियंस तो है स्टोरी टेलग अलग होगा दास भाई इंडियन सिनेमा ग्लोबल नहीं है उसको अगर कोई ग्लोबल कर सकता है तो इस देश का दलित कर सकता है इस देश का आदिवासी कर सकता है इस देश का फार्मर कर सकता है तो आप ये जो बता रहे हैं कि आप एसर्सन है नरेटिव चेंज करना है तो उस सिलसिले में आपने जो मूवी बनाई थी भीमा कोरेगा ऐसे और कितने एफ़र्ट्स आपको दिखाई देते हैं उसकी तारीफ में मोस्टली देखो सिनेमा थोड़ा महंगा मीडियम भी है मेरा एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा प्रिवलेज है एफ का या फिर मैं अम्बेडकर सर्कल में लोगों को जानता हूँ तो मुझे मुझे बनाने में इतनी दिक्कत मेरा पूरा फिल्म क्राउड फंडिंग से बनाया है मैंने विद इन अम्बेडकर एट सर्कल ने लोगों में लोगों ने हेल्प करके मैंने फिल्म किया है तो आ, अभी वो असर्शन दिख रहा है जैसे मैं वही बोल रहा हूँ मुझे कुछ ही नाम दिख रहे हैं मुझे महाराष्ट्र में नाम दिखता है नागराज मंजूड़े या निशांत राय बेम्बरडे हो जिस निशांत इज मतलब निशांत बेस्ट फिल्म मेकर है मेरे लिए क्योंकि निशान ने एक शॉर्ट फिल्म किया था एंड उसको नेशनल अवार्ड है और उसने बहुत सारा राइटिंग किया है मोस्टली कास्ट एंड सिनेमा को लेके या फिर साउथ में पारंजित हो पारंजित मतलब उसका जो वर्क है अगर आप कबाली देखोगे कबाली वर्ड ही देख लो मतलब कबाली वर्ड मतलब कबाली hmm. कबाली में इस दलित कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रेट किया पोट्रेट गया।, गया और अभी वो किस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो आई थिंक लोग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे बिकॉज ऑफ एजुकेशन अभी हायर एजुकेशन में लोग आ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ हमसे बात करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ क्लिक डू वॉच एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल्स वेल वी ब्रिंग यू डिफरेंट नैरेटिव्स एंड परस्पेक्टिव फ्रॉम पीपल ऑफ क्रॉस इंडिया थैंक यू वेरी मच